एक सवारी आपको ये भी मिल जाएगी दोस्तों बैठने के लिए, जिसका चार्ज समथिंग 20,000 रुपये का होगा। 20,000 रुपये का चार्ज है दोस्तों। इन बर्फ़ों की चट्टानों में से निकलना भी आसान नहीं है, पता नहीं कब बर्फ़ घुल जाए और कब यहाँ पे बर्फ़ की एकदम पहाड़ी खज जाए और जो है हानिकारक हो जाए। तो इस हिसाब की देखो बर्फ़ से कटिंग कर दी गई है, देखो कभी भी बर्फ़ गिर जाता है किसी प्रकार से। तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए हमेशा दोस्तों, मैं तो यही सलाह दूंगा आपको। देखो लोग इधर खेल भी रहे हैं एक दूसरे के मार मार के, बर्फ से ना चल रहा है, देखिएगा ये बर्फ से एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। तो ये है बर्फ की शानदार शानदार, ये है दोस्तों बर्फ के शानदार शानदार नजारे। वाह जब हम स्वर्ग की ओर से आ जाते हैं तो हमें मिल जाता है ये नरक वाला रोड, जिस पे हमें पूरा दिन चलना है, सन्ना है, खींच पूछ सब सन्ना है, मुंह पे भी आना है। सही बोल रहे हैं ना भाई लोगों? हम सही बोल रहे हैं। स्वर्ग के रास्ते से निकला है, अब आ गए नरक के रास्ते में। देखो भैया सही बोला ना, सन गए ना, अब ये नरक का रास्ता है, इसमें संते हुए चलेंगे, अब ये साइड साइड करते चलेंगे। देखिएगा दोस्तों इन रास्तों का सामना करना पड़ता है, अब ये खिचड़ वाले जीने नहीं देंगे बिल्कुल भी। इधर बर्फ की हसीन वादियों में दोस्तों कितना मजा आ रहा है, एकदम चिल्ड है। लेकिन आपको अच्छा लगता होगा, लगता हमें भी रहा है अच्छा, लेकिन ये ठंड की वजह से ना ये गलन ये मारे पड़ी है बिल्कुल दोस्तों। बाकी कोई बात नहीं, क्योंकि बारिश हो रही, ना ही वीडियो बना पा रहे हैं ना ही दिखा पा रहे हैं, तो बस शॉर्ट शॉर्ट क्लिप दिखा पा रहे हैं। बारिश यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई लोगों। वीडियो में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ पा रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोलने उसकी क्या मजबूरियाँ रही हैं वो हम आपको बताते हैं। कल सुबह 8 बजे से हम रुद्रप्रयाग से चले थे ना, कहाँ चले थे? रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से साइकिल चलाते चलाते फिर कहाँ पहुँचे? सीतापुर ना। सीतापुर पहुँचने के बाद सोनप्रयाग, हाँ सोनप्रयाग, फिर सोनप्रयाग पहुँचे, जो कि हमने आपको वीडियो दिखाया था। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद फिर हम पहुँच गए गौरीकुंड, गौरीकुंड भी पहुँच गए। हमने सोचा यार हमें आके तो यात्रा करना है, चलना है चलना है, साइकिल लेके जाएंगे ऊपर, ये बात थी ना। सुन खींचते 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 ऐसी स्थिति आ गई पूरी रात में, जो है 3 बजे के टाइम पे। मैंने आपको वीडियो उससे पहले भी दिखाया था, एड स्क्रीन में ही मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वो तो मजबूरी ये थी, हम सो गए, इसकी भी तबीयत थोड़ी ऐसी लगने लगी भाई चलते चलते यार कहाँ तक खींचोगे साइकिल भी, पूरा रात गुजारे दे रहे, दिन भी गुजार दिया है। और फिर इतने हमें कल नवा दिन था ना, नवा दिन था तो दोस्तों बताइए। उसके बाद हम सो गए, हमें सोने के लिए कहीं पे जगह नहीं मिली दोस्तों, उसकी वजह से जो है हमें किचड़ हो गई। वही थोड़ा सा जगह मिल गया कैंपिंग बिछाने के लिए, कैंपिंग टेंट बिछाने के लिए वहीं पर बिछाया। तो भाई लोग यार बहुत खतरे से खाली ना होके ऐसे सोए थे, कोई किचड़ ना आए दबा जाए, क्योंकि स्थिति तो हमने आपको बताई थी कि यहाँ की कैसी है रोडों की, खिचड़ों की। तो इन कारणों की वजह से दोस्तों हमारा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ख़राब हो गया है ज़्यादा चलने की वजह से, जो कि अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे वीडियो बनाते समय मैं कैमरा लेके गया, मेरे पास भी ये देखो अभी है ना।
ये दिखता होगा दोस्तों आपको, कैमरा भी है मेरे पास, सब कुछ है, पूरी प्लानिंग, मतलब जितनी यार इंटरेस्ट नहीं, अच्छा नहीं लगा यार, बारिश भी हो रही थी और बीमारी से ही बचने का कोई उपाय नहीं था, तो हमने सोचा पहले अपने स्वास्थ्य को देखना भी चाहिए। पसंद कर लिया हमने, आप कुछ लाइव आ गया था और उसके बाद हो कुछ नहीं, इसीलिए दोस्तों हम वापस चले आए हैं और बाबा जी के दर्शन कर चुके हैं हम, और काफ़ी चीज़ें हमने आपको यहाँ के बारे में बताई हैं। ये मोबाइल भी जो है हाथ थक गया है पकड़ते पकड़ते, क्योंकि ये हाथ भर चुके हैं और मेरे बिल्कुल एकदम कमर की जो नस है ना बिल्कुल खींच चुकी है, तो एकदम टेढ़ापन आ गया है। सोनो भाई की तो आप कंडीशन देख ही रहे हो, बताने कोई ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, बहुत कर रहा और बहुत हार्ड वर्क बहुत कर रहा, बहुत बड़ी यात्रा हमने की है जो जो कि हमने सोचा भी नहीं था सपने में ये हमारे साथ ऐसा होगा। तो चलते हैं आगे की ओर, एक सवारी आपको ये भी मिल जाएगी दोस्तों बैठने के लिए, जिसका चार्ज समथिंग 20,000 रुपये का होगा, 20,000 रुपये का चार्ज है एक सवारी। एक सवारी दोस्तों ये है, इससे अगर आप बैठ के जाते हैं तो इसका भी 20,000 रुपये खर्च होता है, लौटा वापसी का है ना सुनो भाई। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे बर्फ़ के तो खजाने खजाने हैं, कुछ ना कहा जाए तो अच्छा है, बाकी दफ्तन भी काफ़ी है यहाँ पे। जिसे कहते हैं दोस्तों नरक लोक, स्वर्ग लोक तो हो आए बाबा जी के दर्शन कर आए, लेकिन ये है नरक लोक, जहाँ अच्छा खासा व्यक्ति आता होगा उसके मुंह पे भी कीच पहुंच जाएगी। ये देखो पटापट चल रही है अपने काम से काम रहता है, बाकी और भाड़ में जा दुनिया वाले पैदल वाले ये रास्ता देख रहे हैं दोस्तों, इसी रास्ते से हम निकल के आए साइकिल से।